D10 बस्ती है ये, यहाँ से हम लोग अभी हंगाव जाएगा और शिविर जाएगा। D10 बस्ती इधर हो गया, अभी हम लोग तंगाव जा रहे हैं, शिविर जा रहे हैं। ये रास्ता है, वो लोग काम कहाँ तक करके रखा है अभी इसको हम लोग देखने के लिए। हम लोग का एंटी करप्शन अगेंस्ट पार्टी अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तंगाव और शिविर। ये मेरा तो अभी कह चुका है वाइस प्रेसिडेंट, हम आया है लिकवली एंटी करप्शन फोरम का प्रेसिडेंट, ये मेरा कमिटी मेंबर है। हम लोग ये जो जो नीचे है वो D10 रास्ता दिखाया गया है, बोर्ड ऑलरेडी हम लोग वो तो कैप्चर किया है। यहाँ से लेके तंगाव शिविर ये यहाँ में आज का हम लोग को मुद्दा जो ये रोड के लिए आया था, अभी यहाँ से हम लोग शुरू है। अंदर क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उसको हम लोग विजिट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता को काल में टेंडर होने वाला है बासर में, इसीलिए 11 करोड़ का टेंडर होने वाला है। ये रास्ता बनाया है कि नहीं बनाया है, हम लोग इंस्पेक्शन करने जा रहा है, इंक्वायरी करने जा रहा है, क्योंकि हम लोग सुना है लिकावली में ये रास्ता ऑलरेडी कंप्लीट है, काल में टेंडर होने जा रहा है। हम लोग इसीलिए ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए हम लोग आ रहा है। अभी हम लोग शिविर जा रहा है, हम लोग का 28 लिकावली का लोगों, हम ये बताने आ रहा है कि D10 टू शिविर काम जो ऑलरेडी फिनिश है। हम लोग आज 16 तारीख है, आज 16 डे में हम लोग आ रहा है, लेकिन इस काम को तो ऑलरेडी फिनिश, इसी काम को कल RWD डिपार्टमेंट कल टेंडर होने जा रहा है। ये कार्डोनियर का काम है, हम लोग का 28 लिकावली कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑनरेबल MLA कार्डोनियर का काम है, टेंडर का पहले काम करके खत्म, लेकिन खत्म करने का बाद कल RWD डिपार्टमेंट इसी काम को टेंडर होने जा रहा है। ये कौन सा दुनिया में ऐसा सुना है, कौन सा दुनिया में ऐसा सुना है, इसीलिए वो मनमानी करता है बोल के लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग आ रहा है। आप लोग देखिए, हम लोग स्पॉट में हैं, अभी स्पॉट में हैं। ये देखिए मशीन भी आ गया, टेंडर हुआ नहीं है, रास्ता कंप्लीट, और यहाँ में टेंडर होने से पहले RWD डिपार्टमेंट कैसे कर दो न्यूयॉर्क को काम दे दिया, टेंडर नहीं हुआ। ये देखिए सामान पूरा तैयार, रास्ता पूरा तैयार, टेंडर होने से पहले अर्थ कटिंग सब वगैरह पूरा क्लियर करके रख चुका है। आप लोग आराम से देखिए, हम लोग की टीम आज इधर आके कंप्लेन कर रहा है, देखिए टेंडर होने से पहले ऐसा कर रहा है, हम लोग का एरिया में ऐसा टेंडर होने से पहले ऐसा काम करके रख के वो खुद ही हर चीज़ काम को वो अकेला ही कर रहा है, कैसे MLA है। ये देखिए आप लोग, और भी आगे से भी देखिए, D10 तो शिविर का रास्ता PMGSY रूट टेंडर होने से पहले इतना करोड़ों रुपया का काम पहले हो चुका है। आज 16 फरवरी है, कल 17 को ये टेंडर होने जा रहा है, ऐसा कोई नियम हम लोग कभी भी नहीं देखा है। हम लोग अभी ये 0 पॉइंट से टांगों की तरफ अभी बढ़ रहा है रास्ता, आप देखिए कलवा डुलबत सब बना के ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। जितने पब्लिक लोग हैं आप लोग देखते रहिए, ये बिल्कुल खत्म हो चुका है कलवत भी, परमिशन कटिंग तो कहाँ तक कहाँ पहुँच गया है उसको हम लोग बिल्कुल 0 पॉइंट तक, 0 पॉइंट से लेके हम लोग लास्ट एंडिंग तक हम लोग आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करेगा। अच्छा से देखिए डिपार्टमेंट RW डिपार्टमेंट और 28 लिकवाली की पब्लिक सब अरुणाचल की लोग देखिए यहाँ में क्या काम चल रहा है। हमारा 28 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक, मौजूदा विधायक कार्दोनी की ओर किस ढंग से यहाँ में मनमर्जी सरकार यहाँ चला रहा है। हम तो कहिए देखिए टेंडर से पहले पूरा ब्रिज भी बना रहे, आराम से बना रहे टेंडर से पहले, वो और इधर काम चालू है। ये देखिए लेबर भी इधर है, पूरा काम चालू, कल बाद ब्रिज आर्ट कटिंग, इधर देखिए जैसे भी काम कर रहे हैं, आगे देखिए जैसे भी काम कर रहे हैं।
आगे देखिए आर्थ का तिगम चिन्ह आ जैसी भी है अगला रे बहुत ना जय काम यही काम डायरेक्शन काम अमूम बोल अगे पता है नाम रे दो ये देखिए जैसे भी काम कर रहे हैं अभी तक आराम से देख लीजिए जैसे भी आराम से काम कर रहा है। नमस्ते अरुणाचल, नमस्ते 20th लेखापाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के वासियों। आज हम लेखापाली एंटी करप्शन फोरम की प्रेसिडेंट लियोम ताजू और उसका टीम यहाँ में आया है टिबर सर्कल में। इसका दीतेन टू ये शिविरित का जो PMGS रोड जो है आज 16 तारीख है, कल 17 तारीख को टेंडर होने जा रहा है। ये काम तो पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका है। सैन ग्रेवल भी पूरा आपको डबल डला गया है, आर्ट कट फॉर्मेशन कटिंग सब खत्म हुआ है। इसलिए आज वह लिखे वाले से हम लोग एंटी करप्शन टीम आज ये जायजा करने के लिए आया है वेरिफिकेशन के लिए। बिना टेंडर में ये सब अरुणाचल में ये काम सबसे पहले मेरे कार्दोनी की और होनरेबल MLA ये काम भी आज उन्होंने ये काम को भी कर रहा है। इसलिए सब पब्लिक सतर्क रही है, बिना टेंडर में काम खत्म किया वाला आज पहली बार हम देख रहे हैं।